माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है जी ड्रेस डिजाइनिंग वीडियो। कुछ ड्रेसेस सेल के आए थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किए जाए किस तरह के ड्रेसेस गर्मियों के मैंने बनवाए हैं, कहाँ से लिए हैं, कौन से ऊपर मीनाकारियाँ करवाई हैं। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है और रमज़ान में दिल करता है खुला डुल्ला सा सूट हो और हल्की फुल्की बस लैस लगी हो, कोई मोती ज़्यादा ना लगे। वैसे मैंने मोती लगवाए हैं क्योंकि मैंने कहा ईद के दिनों में पहने जाएंगे, हल्की फुल्की क्या कहते हैं इफ्तारियाँ होती हैं तब पहने जाएंगे, घर में कोई आ जाता है तब पहने जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मोती शोती नहीं पसंद तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा, अगर पसंद है थोड़े से और तो लगवा लीजिएगा। चले जी अब ड्रेस नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये जी रात का 1 बज गया था, अभी तक काम चल रहा था पैकिंग वाला, मैं इंतज़ार कर रही थी कब ये लोग काम ख़त्म करके जाएंगे और मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शूट करूँगी। ये देखिए सब इस्त्री करके लटकाए हुए हैं, बस इनके जाने का इंतज़ार था। ये है ड्रेस नंबर 1। अच्छा, हमारे पास 2 से 3 ना 3 पीस प्रॉपर स्टिच ड्रेस होने चाहिए, जब आना जाना हो, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, तो हम प्रेजेंटेबल लग सके, अच्छे लग सके। क्या होता है, कुर्ते ले लेते हैं, कुर्ता या ट्राउज़र ले लेते हैं, एंड टाइम पे ना दुपट्टा मिलता है, ना ट्राउज़र मिलता है, ना कुछ और चीज़ मिलती है। अगर हमें पता हो 2 सूट इस्त्री करके प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके लटके हुए हैं तो बहुत आसानी हो जाती है और तैयारी में बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले चलते हैं इसके गले के डिज़ाइन की तरफ। ये जी इसके गले का डिज़ाइन है, नीचे मैंने येलो पेपर इसलिए रखा है ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए और स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। अच्छा, मुझे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बताने कितने लिए, 3 लिए 4 लिए 5 लिए 1 लिए, जितने भी स्क्रीनशॉट लेंगे ना मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छा जी, ये हो आ गया गला। पहले लूप्स चल रहे थे गुलाई में, अब चल रहे हैं थोड़े लंबाई में और पतले पतले। आप लोग बताइएगा आप लोग को गुलाई वाले अच्छे लगते हैं या पतले वाले। मेरा वोट पतले वालों की तरफ है जो इस ड्रेस के साथ मैंने किया हुआ है। 3-3 का हम लोगों ने पेयर बनाया और थोड़े लंबाई में लूप्स डाल दिया, लूप्स कह दें। ठीक है जी, ये हो गया गला। अब चलते हैं इसके बाजू की तरफ और ओवरलुक भी आप देखते रहिएगा। बाजू के आगे टिशू का कपड़ा लगवा के कटवर्क करवाया है और आगे पीको हुई है, इस तरह की लेस मिल जाती होती है। अगर आप लोगों को लेस ना मिले तो आप आम टिशू का कपड़ा लेके ऊपर आगे पीको करवा लें, कटवर्क करवाना ज़रूरी नहीं है, सीधी सीधी पीको करवा के 2 कपड़े लगा लें। इससे क्या होता है, जो लॉन के सूट होते हैं ना बहुत ढीले ढीले होते हैं, साइड पर लेस लगवाई है थोड़ी जान आने के लिए, नीचे भी कटवर्क और ये टिशू का कपड़ा लगवाया है थोड़ी जान आने के लिए, लेस ढूंढने का, इस तरह की आपको लेस आसानी से मिल जाएगी। अगर लेस नहीं मिलती तो आप लोग कोई भी टिश्यू का कपड़ा लेके आगे पीको करवा सकते हैं, ऑप्शंस आप लोग के पास हैं। मैं क्या कहती हूँ, लॉन का कपड़ा बहुत ढीला ढीला होता है, अगर इसके ऊपर हल्की फुल्की साइड पे लेस वगैरह ना लगवाई जाए ना बहुत ही लुसा लुसा सा कपड़ा लगता है। दुपट्टे के 2 साइड्स पे पल्लुओं पे लेस लगवा दी और बाकी दोनों साइड्स पे बेबी पीको करवा दी थी। अब चलते हैं जी ट्राउज़र की तरफ। ये जी ट्राउज़र का डिज़ाइन इस तरह का है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीने वाले को समझ लग जाएगा। अगर आप लोग घर पहनने के लिए सिलवा रहे हैं तो आप लोग मोती ना लगवाएगा, क्योंकि जब नमाज़ पढ़े होते हैं जो मोती चुभता है, मैं कहती हूँ नानी याद आती है जैसे सजदे से उठते हैं। ये है जी ओवरऑल लुक। अब आप लोग थोड़ा जहन में इमेजिन कीजिएगा, अगर ये सब लेस वगैरह और बाजू के आगे डिज़ाइन और ट्राउजर का ना करवाती तो कितना सिंपल सा और कितना ढीला ढीला सा ड्रेस लगता। अब जी दाएं मोरे मान के कुछ कपड़े आए थे, मैंने कहा वो भी आप लोगों को दिखा दूं, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ये इनकी पैकिंग थी और पैकिंग से मैंने निकाल लिए हैं, बारी बारी में सब आपको दिखाती हूँ। पहले चलते हैं इसकी तरफ, ये दोनों बड़ा अच्छा लग रहे थे मुझे, बहुत सॉफ्ट से। फिर ये आगे निकरे आ गई, एक ये निकर आ गई, एक ये रेड निकर आ गई और एक ये निकर आ गई और एक ये वाली निकल आ गई। अच्छा ये रोम्पर्स तो, अच्छा ये तीनों रोम्पर्स बहुत ही प्यारे मुझे लगे थे, इतने सॉफ्ट से, और बच्चों को ना इसे ये पहने भी बड़े प्यारे लगते हैं। व्हाइट वाला देखे कितना प्यारा है, ब्लू वाला देखे कितना प्यारा है। अब चलते हैं शर्ट्स की तरफ, एक ये शर्ट आ गई, ये शर्ट है जो मुझे शर्ट सबसे ये वाइट वाली शर्ट तो बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे। उसके बाद एक आ गई, ये आ गई, उसके बाद ये आ गई, उसके बाद ये वाली आ गई शर्ट, फिर ये वाइट आ गई, और उसके बाद उन्होंने बेबी बैग भेजा था, अंदर से शीट निकली थी, 2 पॉकेट सामने थी, 2 पॉकेट साइड पे थी, 2 पॉकेट अंदर थी, बाकी इस तरह जिप बंद हो रही थी। ठीक है, ये बेबी बैग आ गया, पॉकेट है ये। अब आ गए ईमान के कपड़े, ये इसका स्टफ किस तरह का, जैसा जिम वेयर नहीं होता उस तरह का था, बड़ा सॉफ्ट सा था लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं पहने हुए, बड़े स्मार्ट सी लुक आती है। दूसरा ये आ गया सॉफ्ट है मैचिंग में, इसका कपड़ा ही बहुत सॉफ्ट था। अच्छा जो ये वाला, अच्छा जो ये वाला नाइट सूट था ना ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, इसका कपड़ा थोड़ा सा कड़ा हुआ, तो मैं ईमान को ना अवॉइड ही करती हूँ कपड़ा पहनाने में, फिर उसको खारिश इतनी होती है, फिर लोशन लगा लगा के मैं थक जाती हूँ। ये बहुत कम। उसके बाद ये वाला सबसे अच्छा था, बड़ा सॉफ्ट सा था, और ये आ गया लास्ट। चलते हैं जी अगले ड्रेस की तरफ।
ये है जी अगला ड्रेस। अगर आप लोगों का कोई भी कपड़े का टोटा घर में वेला पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको उठाएं और हल्का फुल्का डिज़ाइन करवा लें और आपका कुर्ता रेडी हो जाएगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में टाइट्स के नीचे या सिंपल ट्राउजर के साथ और वाइट दुपट्टे के साथ पहनने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं जी इसी क्लोजर लुक की तरफ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ये देखें, नीचे लगवाया हल्का सा टिशू डबल करके, उसके ऊपर डलवाई सिलाइयाँ और फिर बिल्कुल बारीक सी उसी कलर की लेस डलवाई। उसी कलर से इसलिए डलवाई ताकि थोड़ा सा ना अच्छा लगे। शर्ट बहुत पटाखा थी, अगर कोई भी डिफरेंट कलर की लेस लगवा लेते तो बहुत डब खड़बा सा सूट हो जाता, इसलिए लेस हम लोगों ने शॉकिंग पिंक ही रखवाई और टिशू का कपड़ा भी शॉकिंग पिंक रखा। इस तरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इस ओवरलुक की। इसको थोड़ा सा उठा के दिखाती हूँ, जो लड़कियाँ घर में खुद स्टिचिंग करती हैं उनको भी आइडिया हो जाए। पाइपिंग हुई है येलो और ये नीचे से इस तरह की लुक है और पीछे से भी हम लोगों ने करवाई किया है इसी तरह। ये टिशू लगवा के सिलाइयाँ डलवाई हैं और लेस लगवाई है ताकि पीछे से भी ढीला ढीला ना लगे, प्रॉपर इसमें अकड़ाओ और प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। अब चलते हैं इसके गले की तरफ। ये देखें, गले पे इस तरह एक बड़ा मोती एक छोटा मोती और ये गले का ओवरऑल घुमा के तोड़ो तोड़ सारा कपड़ा घुमा के ऊपर ये प्लीट्स डलवाई हुई हैं। थोड़ा सा मैं क्लोजअप लुक करती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिसने सीना होगा उसको समझ लग जाएगी हम दोनों में की दसा, मैनू आप नहीं पता हम तो डिज़ाइन बता देते होते हैं, दर्जी भाई आके खुद ही कर लेते होते हैं। ठीक है, ये इसकी ओवर लुक है। इस तरह भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और एक जब मैं पास से दिखाऊँगी तब भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखें जी, पास हो जा पास हो जा, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया, अब चलते हैं इसके बाजू की तरफ। ये देखें जी, बाजुओं के आगे भी उस तरह का करवाया है जिस तरह नीचे करवाया था शर्ट के। टिशू का कपड़ा डबल करवा के सिलाइयाँ डलवाई और लेस लगवा ली। दूसरी साइड पे भी सेम। और ये आगे इसकी ओवर लुक। अब आप लोगों ने पिक्चर लेनी है तो ले लें ताकि याद रहेगा बाजू और गले का डिज़ाइन इकट्ठा कैसा था। अब बारी आती है अगले ड्रेस की। अच्छा, अगर आपके पास बगैर किसी कढ़ाई के ड्रेस हो और बहुत प्यारा सा कलर हो, सॉफ्ट सा कलर हो, तो आप लोगों ने एक एडिशन कर देना है किसी भी एक पॉप ऑफ कलर का, ताकि वो ड्रेस थोड़ा सा उठा उठा लगे, लाइट भी लगे लेकिन पॉप ऑफ कलर के साथ वो थोड़ा सा ब्राइट लुक भी दे। ठीक है, ये इसकी ओवरऑल लुक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इस तरह ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को थोड़ा पास करके इसका गला और इसका नीचे से स्लिट्स वगैरह दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके स्लिट्स आ गए, ब्लॉक छोटे छोटे शॉकिंग पिंक के काट के यहाँ पे लगाए हैं, आगे भी और पीछे भी। जो डिज़ाइन आगे करवाना है वही डिज़ाइन पीछे करवाना है ताकि कंप्लीट और एक ना अच्छी अच्छी सी लुक आए। अगर आगे से करवा लेते हैं पीछे से नहीं करवाते तो पीछे से ना ढलकना शुरू हो जाता है। और नीचे उसी कलर की सेम हल्की सी लेस लगवा ली है ताकि नीचे से कपड़ा थोड़ा सा अकड़ाव वाला हो जाए, थोड़ा सा कम्प्लीट लुक आ जाए। अच्छा, मुझे हमेशा लॉन के सूट के साथ ऐसा होता है, पाइपिंग हुई हो तो कपड़े में थोड़ी सी जान आ जाती है, हल्की सी लेस लगी हो जान आ जाए। कपड़े में जान डालने के लिए ना नीचे से पाइपिंग या नीचे लेस लाजमी लगानी होती है। इस तरह स्क्रीनशॉट ले ले, दोनों साइड्स पे इस तरह छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर लगवाए हैं। अब चलते हैं इसके गले की तरफ। बाजू के ऊपर आगे भी ये लेस लगवा दी है। ये आ गया इसका गला। ये जी गला है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कपड़ा उठा के प्लेट्स डाली हुई हैं बड़ी वाली थोड़ी सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे सीना होगा उसको इस तरह ना आइडिया अच्छा हो जाएगा। ये इसकी ओवरलुक आ गई, साथ साथ ओवरलुक भी देखते रहिएगा। सूट में ना जो अनस्टिच सूट होता है उसके ऊपर हल्का फुल्की लेस और हल्का फुल्का डिज़ाइन करवाया जाए तो वो प्यारा लगता है, वरना ना बहुत सिंपल सा लगता है। जैसे दुपट्टे पर मैंने साइड्स पर ये लेस लगवा ली हल्की सी, हुआ तो इससे कुछ नहीं, 40-40 रुपये की लेस थी, लेकिन उसने दुपट्टे को ना एक जान डाल दी दुपट्टे के अंदर। ठीक है, ये जी सूट की ओवरलुक आ गई, या आप लोग ओवरलुक भी देख लें और इस समय स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला ड्रेस देखते हैं जी। अब अगला ड्रेस देखते हैं। ये जी शर्ट है, ये मैंने जनरेशन से शर्ट ली थी, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहनी। मैंने कहा पहले आप लोग सा डिज़ाइन शेयर कर लूँ, फिर इंशाल्लाह ताला ईद के किसी दिनों में पहन लूँगी। आप लोग इसे कट देखें। अच्छा, ऊपर से ये स्लिम फिट में आ रही है, नीचे से ये आ रही है ए लाइन शर्ट में। छोटे छोटे इसके स्लिट्स हैं और छोटे छोटे इसके बाजू हैं। सारे पैसे ही इसकी स्टिचिंग के हैं, इसलिए मैंने आप लोग को पहले ओवर लुक ये दिखा दी है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने सिलाई किस तरह करनी है। ऊपर से स्लिम फिट, बाजू छोटे और नीचे से ए लाइन आ जाती है, बहुत लग रही थी पहने। अब क्या करना है, ये जो आप लोगों को पट्टी नज़र आ रही है ये अंडर आर्म से लेके नीचे तक तोड़ो तोड़ ये पूरी लाइन में डलवाई गई है और पाइपिंग करवाई गई है काले रंग की, जनरेशन वालों ने की। ठीक है, इस तरह आप लोग देखें ये ओवर लुक। इससे ना एक बड़ी पतली लुक आती है। एक ही तरह का प्रिंट हो तो आप लोग इस तरह करवा सकते हैं, कोई भी मैचिंग करके
अंडर आर्म से लेके नीचे तक लेस लगवा लें और साथ इसके पाइपिंग कर लें, ठीक है। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा हर एंगल में दिखा रही हूँ, जिस एंगल में आप लोग को सही लगे आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। ये पाइपिंग की गई है काली ताकि ये भी प्रोमिनेंट हो। अब चलते हैं इसके गले की तरफ, ये इसके ओवरलुक है गले का। अब पास आते हैं गले पे, इस तरह की डोरियाँ इतनी आम मिल रही होती हैं, 40 रुपीज़ की या 50 रुपीज़ की दो डोरियाँ मिलती हैं, ये इधर एक ही लगी हुई है। आप लोगों ने गले से फिरवानी है और ये जी डोरी आ गई, काम ख़त्म है। बहुत सिंपल सा, लेकिन जब पहना जाता है ना ये इस तरह के ड्रेस तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे जो पैसे होते हैं स्टिचिंग के ही होते हैं, अगर स्टिचिंग अच्छी हो तो सूट अच्छा लगता है। जी अब बारी आती है अगले ड्रेस की। ये है अगला ड्रेस, ये मैंने लिया था जीन से, अगर कोई लेना चाहता है तो जीन से ले सकता है। ये इसकी ओवरलुक है, इसके बाजू देखें, इसका गला देखें, इसके चाक देखें और इसके सबसे घेरा देखें ताकि आप लोग को आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा है, आप लोग इसके गले की जो कढ़ाई है उसको स्किप कर दें, बाकी आप लोग देखें बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा है। अगर कोई भी सिंपल सा कपड़ा पड़ा हुआ है आपके लोग के पास तो आप लोग इस तरह का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। ये इसके घेरा आ गया, आप लोग घेरे पर देखें, नीचे ग्रीन कलर के कंट्रास्ट करके ये कपड़ा लगवाया है, फिर सिल्वर धागे के साथ दो सिलाइयाँ, फिर उसके ऊपर तीन सिलाइयाँ और फिर उसके ऊपर ये पट्टी फिरवाई है, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे भी जाऊंगी क्लियर लुक के लिए। ये देखिए अब क्लियर लुक आ गई, पहले कटवर्क करवाया है, फिर दो सिलाइयाँ, फिर तीन सिलाइयाँ, फिर वो हाफ रेक्टेंगल के अंदर ये पट्टी फिरवाई है। आप लोग कोई भी लेस लेके लगवा सकते हैं और एंड इसकी थोड़ी सी चूंच बना के स्लिट्स बंद की तरफ कर दिया। चलो जी, ये हो गया काम तमाम। ये दोबारा नीचे जा रही हूँ ताकि जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो भी ले लें, कोई बात नहीं ले लो फिर काम आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके फेवरेटीज़ में ऐड कर दो। ये हैं जी बाजू के डिज़ाइन, ये आपस में फंसे हुए हैं, वो भी रमज़ान के महीने में दो लूप्स बनाए हैं और आपस में इनको इस तरह करके कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग को इशू आ रहा है थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नज़र आएगी स्किन, तो आप लोग नीचे भी बना सकते हैं, वो अपने अपने लिहाज से आप ऊपर नीचे जिस तरह मर्जी कर लें। आइडिया देना होता है, ये इसका गला आ गया गोल रख के वी बनाया और वी के अंदर छोटे 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 मोती बना दिए, अगर मोती लगाने हैं लगा लें वरना इस तरह गला बना लें। गोल गले के उधर पाइपिंग हो गई है और वी है, ये इसकी ओवरलुक आ गई है, ओवरलुक का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। सांस छोड़ा हुआ मुझे पता नहीं क्यों, सताई पी के जी। अब बारी आती है अगले ड्रेस की। ये है अगला ड्रेस। अच्छा, जो ड्रेस आप लोग के पास हो उसके पैचेस भी हों, एम्ब्रॉयडरी भी हुई हो, प्रिंटेड भी हो, उसको किस तरह सिलवा सकते हैं, उसके बाजू पे हल्का सा कुछ करवा ले और गले पे करवा ले और बिल्कुल हल्का सा ट्राउज़र पे करवा ले ताकि वो भी एक कंप्लीट और हल्का फुल्के डिज़ाइन वाला सूट लगे कि थोड़ी सी मेहनत करके सिलवाया गया है, ठीक है। ये इसकी ओवरलुक है, आप लोग इस तरह का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके ट्राउज़र आप लोग देख लीजिए, इसके बाजू देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को ज़्यादा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये है गले का डिज़ाइन, गोल बनाया, वी बनाया, गुलाई पे एक काला बटन लगाया बड़ा, एक छोटा लगवाया, इस तरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये इसके गले की ओवरलुक आ गई दूर से, फिर इसके बाजू की तरफ चलते हैं, सिंपल से बड़े बड़े लूप्स करके ब्लैक में ये लगवा लिए, ये देखिए दोनों साइड्स पर सेम इस तरह ट्राउज़र पर करवा लिया ताकि ट्राउज़र शर्ट के साथ लिंकअप हो जाए और अच्छा अच्छा लुक आए, ठीक है जी। ये सूट है अनाया बाय किरण चौधरी का, आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके उन्हें भेजिएगा, वो आप लोगों को बता देंगे ये कौन सा सूट है। और ये इसका दुपट्टा आ गया। चलें जी अब चलते हैं ट्राउज़र्स की तरफ, तीन ट्राउज़र हैं, एक ब्लैक ट्राउज़र है और दो वाइट हैं। आप लोग किसी भी ट्राउज़र पर, किसी भी कलर के ट्राउज़र पर ये डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। पहले ये ओवरलुक है, आप लोग दरमियान वाला ही था चेक करें, दरमियान वाला पहना हुआ सबसे प्यारा लगता है। अब मैं आप लोग क्लोज़र लुक दिखाऊंगी तो आप लोग को आइडिया होगा। सबसे पहले चलते हैं ब्लैक की तरफ, ब्लैक वाले को आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ब्लैक वाले के एक साइड पर ज़िप लगी हुई है, ये देखिए ज़िप है, और फिर पर्ल्स लगाएंगे, एक बड़ा दो छोटे, एक बड़ा दो छोटे, एक बड़ा और दो छोटे, जहाँ तक ज़िप है वहाँ तक यूँ करके पर्ल्स लगाएं, सिर्फ एक साइड पर, दूसरी साइड पर नहीं, दूसरी साइड भी मैं आप लोग को उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड पे नहीं, एक ही साइड पे ज़िप लगा के, और ये देखिए दूसरी साइड के पोंचे पे भी एक साइड पे लगा हुआ है, ज़िप पर्ल्स
एक बड़ा पल एक छोटा पल। अच्छा, ये पहनना हुआ बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सा कुर्ता और ट्राउज़र इस तरह करवा लें तो भी बड़ी अच्छी लुक निकल जाती है। अब चलते हैं अगले ट्राउज़र की तरफ। ये जी अगला ट्राउज़र है, सेल्फ प्रिंट का कपड़ा है, आप लोग कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह का बनवा सकते हैं। इसका आप लोग पहले कट देख लें किस तरह कट है, इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पूरा प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट उठा के दिखाती हूँ ताकि क्लियर आइडिया हो जाए। ये देखिए, ये एक लेस है इस तरह और ऊपर लेस दूसरी तरह, दोनों के मुंह ऑपोजिट ऑपोजिट करके लगाए गए हैं इस तरह। भी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बताने में आसानी होगी। चलें जी, अब चलते हैं जी अगले ट्राउज़र की तरफ। ये है अगला ट्राउज़र। अच्छा, ये देखने में पता नहीं अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को या नहीं अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब जब ये मैंने ट्राउज़र पहना तब तब सबने पूछे ट्राउज़र बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया है कहाँ से लिया है। दरमियान में टिशू का कपड़ा है, इसके ऊपर मोटी ये लेस आसानी से मिल जाती है, बहुत आसानी से हर जगह। और फिर सीडी लेस है बड़ी वाली और नीचे एक लेस लगवाई है, इस तरह करके आप लोग सिलवा लें। मेरे पास ये ब्लैक में भी है, वाइट में भी है, दोनों में पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग सिलवा के लास्ट भी ट्राई कीजिएगा, प्रॉपर एक लुक निकल आती है, रिच रिच सी। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है लेसेस इस तरह की मिलती जुलती कोई भी लेस ले सकते हैं। अब आ गया दुपट्टा। अच्छा, इस दुपट्टे का आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है कि नीचे फ्लेयर्स वाला दुपट्टा। अच्छा, फ्लेयर्स वाली शर्ट और फ्लेयर्स वाले ना क्या कहते हैं फ्रॉक मुझे नहीं पसंद, मुझे हमेशा फ्लेयर्स वाले दुपट्टे पसंद आते हैं। ये देखिए, इस तरह इसके दुपट्टे की है डिटेलिंग और ऊपर हल्की सी लेस डलवाई हुई है, बाकी दुपट्टा प्लेन है। आप लोग पास टिशू का दुपट्टा है, टिशू का बनवा लें, शिफॉन का भी बनवा सकते हैं, नेट का भी बनवा सकते हैं, जिस तरह का भी आप लोग के पास दुपट्टा है आप लोग इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। दोनों पल्लुओं पे करवाया गया सेम से, इन छोटी छोटी डिज़ाइनिंग से ही ना इंसान की पूरी लुक चेंज हो जाती है, देसी से वलती वलती लगना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गया दुपट्टा। चलें जी, अब डिज़ाइनिंग हो गई ख़त्म, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, मुझे बताना ना भूलिएगा कि कितने आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप लोग कमेंट्स का, जितने भी लिए होंगे आप लोग मुझे बताइएगा। ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी डिज़ाइन पसंद आया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ये सूट अच्छा लगा, ये डिज़ाइन अच्छा लगा, इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको ये हमें पसंद नहीं है, जो पसंद नहीं है वो भी आप लोग बता सकते हैं। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।